हाँ जी, मैं मौजूदा मैंबर हाँ जी घुमांदा जी। ठीक है जी सर, साढ़े पिंड काफ़ी ग्रांट आई है, घट्टो घट 18 to 20 crore रुपया, कुछ 18 crore रुपया आया सीवरेज के वाटर सप्लाई के खाते, तो बाकी 2 crore रुपया पंचायत के खाते आया गलियां नालियां वास्ते। पर साढ़े पिंड किसी तरह की कोई डिवेलपमेंट नाल की कोई चीज़ नहीं हैगी, सारिया गलियां जिहड़ियां पुट पड़ाइया करके इदा ही सुनिया छड़ती गई। 75% गलियां जिहड़ियां अजे बाकी आ बनने वाली, तो सानूं यह नहीं पता लगता पाया भी जो 2 crore रुपया पंचायत खाते आ कितने लगा, तो 18 crore रुपया जिहड़ा सी कुछ 6000 to 7000 मीटर जिहड़ी आ सरपंच ने सीवरेज वाले जिहड़े ठेकेदार ने बनाउणी सी गलियां उहदा भी कोई पता नहीं, तो जिहड़ियां सरपंच ने गलियां बनाउणियां सी उहनां दा भी कोई पता नहीं, तो नजायज़ कब्ज़ कर रहा सरपंच, नजायज़ कब्जे कर रहा वा, तो नजायज़ पैसे लैके कब्जे करी जा रहा, तो मिट्टी पटाई जा रहा, जो पंजाबी जमीनों के बहुत खोरा लाया हो घुमाण नूं। तो मैं प्रशासन अगे बेनती करदा भी जिद्दां भी आ इहदी सुनवाई की जाए, तो मैं इस संबंधी कंप्लेना भी काफ़ी कर चुका, सीएम साहब नूं कंप्लेना कर चुका, डायरेक्टर साहब नूं कर सकता, चीफ सैकटरी साहब नूं कर चुका वा, काफ़ी मेला कर सकता पर अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बस एक अपना मेरा नाम प्रेम सिंह जी, घुमाणी है पिंड मेरा जी। समस्या जी, सब तो पहला सीवरेज साढ़े वाले पासे तो शुरू होया ही, साढ़े पासे तो पहला सब तो इट लगनी शुरू हुई, सानू तो उत्थों लंघना मुश्किल होया। अं बहुत बार सरपंच नूं कहा, कहिंदा ग्रांट नहीं आई, लेकिन मेरे घरों कागजों के बहुत ग्रांट आई, क्योंकि अं तक जाँच करते हैं भी कितने तक हुई है, लेकिन मेरे तो परसनल रास्ते के नंबर के RTI भी साबित हो गया, तो दफ्तरों वीडियो के चिट्ठिया भी आईया सरपंच, सरपंच ने पैसे ला के तो मेरा राह भी नंबर वाला बुलाता, इतों तक सरपंच गिर गया कि उन्हें जठेरियां एक पंचायती राह छड़ना ही, वो नहीं छड़ रहा, मेरे राह से कब्जा कर रहा, वे भी उन्हें पैसे लै ले बुलाने, होर लोगों के सपड़ा वाले जिन्हें जिथे दूजे लोगों ने जायज़ कब्जे कराए आते काफ़ी सबूत आ कि इन्हें पैसे ले। दूसरा मैं RTI बहुत पाइया, अजे तक मेरी किसी RTI का जवाब सैकटरी साहब ज सरपंच साहब ज देना नहीं चाहते, मैं हर गली भाजी की ना अपना निर्मल सिंह भाजी पिंड मेरा घुमाण पिंड है जी। की मुश्किल आ रही है? मुश्किल की है भी सड़क तोड़ गए तो बनाई नहीं आ, कोई ट्राली मोटरसाइकिल स्कूटर बहुत जने एक्सीडेंट होंगे बहुत डिगदे इतने, यह कोई सोचा जाए कोई कोई सरकार है ही नहीं सोचने योगी गली को पुट्टी है गली को पुट्टी इट कितने है गली पुट्टी ही भी बना के दावे पत्थर पा के बनाई ना कोई इंटरलॉक इट दे गलियां दूजिया खराब हुई सारा कुछ जी पहला इट लगी है पहला इट चुके सारी लै गए अपने बेच गए ठेकेदार जो भी है वो लै गए बारिश आ गई तो बंदे डिगदे डुबदे हर मंदा हाल जो लंघ जाता जी मांग करते हो भी आड़ी गलियां पानी चाहिए वा विकास कार्य कोई नहीं साढ़े लैटरिंग पैसे आए आ हर को प्रूफ लले सारे को पैसे सू मिले नहीं सीधी गल आधार कार्ड बैंक खाते लले पैसे मिले नहीं आ दूसरी गल ग्रांटा साढ़िया कहें बड़े चाहिए हो गई ताड़ी आ गए आ गए आ गए बस उन्होंने दतिया नहीं आवार के कोई है कौन खा गया पैसे सरपंच ने खाधे और कहने खाते हो फिर हाँ बहुत ज्यादा बहुत तंगी है जी अ दवाई बूटी लैन भी जाने उधर वेख लो दवाई बूटी लैन भी जाने बच्चा बहुत औखा वा जी साडी गली बननी चाहिए है जी जो फिर इदा का मौसम रहूगा तो हो भी सकती डिग भी विकास तो हम जो कर रहे बहार अंदर तो जाते नहीं अपना गलिया अपने हाँ जी सा मतलब बाहर फॉरवर्ड बैठे पैसे पाले साबित कर दें बैंक अकाउंट उन्हें साबित कर देना अफसर बैठे ने नरेगा दे बैठे ने होर साढ़े अपना BDO साहब बैठे ने DDPO साहब बैठे ने साबित कर दें जो कानून के हिसाब ना अच्छा जी डिवेलपमेंट देखो जी जिनी डिवेलपमेंट मेरे वेले हुई आ इन्नी डिवेलपमेंट कभी भी नहीं हुई तकरीबन
26 रस्ते जिमीदारा दे जिहड़े पुरे जांदे आ बार बार डेरे रस्ते लगे आ 26 रस्ते मैं अपनी पंचायत साडी ने ये पक्के किते आ कम से कम भी 8-10 लख इट भट्ठे वाली जिहड़ी आ ओह ला के रस्ते बनाए आ 25-26 डेरे रस्ते बनाए आ तकरीबन 27-28 गलियां इंटरलॉक टाई जिन्ना मेरे को फंड आया सी सरकार दा वह वधिया तरीके नाल सारा लग्या उन्होंने जेड़े मेरे विरोधी बंदे आ हर पिंड विरोधी होंदे ही आ उन्होंने मिट्टी आप चक्कर सुटना ही होंदा बाकी जिधर गलियां नहीं बनिया क्योंकि कस्बा साडा पिंड घमाण बहुत वड्डा कस्बा है इत्थे सीवरेज ते वाटर सप्लाई साडे पिंड दे विच पई आ इह पिंड सारे पट्टिया गया जे पिंड सारे पुट्टे गए आस्ता आस्ता ही डिवेलपमेंट होनी है इहदी मैं जिन्ना भी कम कराया तुहाडे सामने उन्होंने वह तो तुहानू दिखाता भी जिहड़े गलियां नहीं बनिया जिहड़ियां गलियां बनिया की तुहानू उधर भी लैके गए ने भी जिहड़ी डिवेलपमेंट होई आ बिल्कुल नहीं यह साबित कर दें मिट्टी पुट्टी गई है मिट्टी पुट के बेच दी गई है नो 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 साबित कर दें मिट्टी वेखो जी ਉਹ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟਿਆ ਟੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਇੰਨਾ ਪੁੱਟਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਬਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਅਫਸਰ ਆਏ ਵੇਖ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਇੱਟਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੀ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਟ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਖੋ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਸਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮਜਮੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 8-10 ਗਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ MLA ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ